अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय और आईटीआर 11 में जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में न्यू टैक्स रिजीम आपका डिफॉल्ट ऑप्शन आएगा। फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से आएगा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, जो कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा और यहाँ पे नो है। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट आउट नहीं करना है तो आप येस कर दीजिए, मतलब कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि आईटीआर सैलरीड पर्सन में के केस में कोई भी फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है 10IE, या आपको सिंपली ये ऑप्शन को यस नो करना है। इसके साथ साथ ये भी एक दूर कर देता हूँ कि अगर आपने इस बार न्यू भरा है तो नेक्स्ट टाइम आप सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में ओल्ड ऑप्ट कर सकते हैं, सैलरीड वालों के लिए ये अलाउड है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि बिलेटेड रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 की दिसंबर 2024 है, लेकिन लेकिन अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न जुलाई 2024 से पहले पहले फाइल नहीं करी ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो आपको बिलेटेड रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फाइल नहीं करने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही जितने भी आपके एक्टिव बैंक अकाउंट है वो इस बार आईटीआर में शो कर दीजिए। जिस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उसको डबल चेक कीजिए कि उसका एफएससी कोड तो चेंज नहीं हुआ, जो आपके पैन में नेम है और जो बैंक में नेम है दोनों सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पैन और बैंक की सेम होनी चाहिए, बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। फ्रेंड्स रिटर्न फाइल करने के बाद में उसको ई वेरीफाई करना ना भूले। आपने रिटर्न पूरा रिटर्न इन्फॉर्मेशन भर दिया, आपने ई वेरीफाई नहीं किया, उस इन्फॉर्मेशन को आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो डिस्कार्ड द रिटर्न का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब ये होता है 26AS, AIS, TIS में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपने जो ITR में इन्फॉर्मेशन भरा उसमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तभी के तभी आ जाएगा। बिलेटेड रिटर्न का मतलब यह है कि मेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024, मैं उसके बाद में अगर कोई रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ तो बिलेटेड रिटर्न है। बिलेटेड रिटर्न में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और कुछ एग्जम्पशन डिडक्शन सेट ऑफ लॉस कैरी फॉरवर्ड ये सब नहीं होता है। अपडेटेड रिटर्न का मतलब यह है कि 3 साल की रिटर्न मैंने फाइल नहीं करी और अभी मेरे को फाइल करना है तो अपडेटेड रिटर्न के थ्रू फाइल कर सकते हैं। इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 कब आती है, जब आपने रिटर्न फाइल कर दी, ई वेरीफाई कर दी, तो डिपार्टमेंट का एक नोटिस आएगा, एक मैसेज आएगा आपके पास में कि असेसमेंट ईयर 23-24 का ये पैन है, इसके रिटर्न प्रोसेस की गई है CPC के द्वारा। फ्रेंड्स इसी के साथ साथ ये मेल पर भी आता है, मेल पर डाउनलोड करने के बाद में अगर उस इंटीमेशन का कलर लाल है तो इसका मतलब डिमांड आई है, ग्रीन है तो इसका मतलब आपका रिफंड आया, और अगर वो ब्लू है तो इसका मतलब ना तो डिमांड आई है ना रिफंड आई है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो इंटीमेशन 143 आएगी उसकी मैक्सिमम डेट जो होती है वो दिसंबर 2025 होती है। फ्रेंड्स ये जो इंटीमेशन आती है इसके कुछ रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने रिटर्न फाइल करते समय अर्थमेटिक एरर कर दिया, आपने जो क्लेम किया है वो इनकरेक्ट क्लेम है, आपने जो लॉस क्लेम किया था उसका डिसअलाउंस हो गया है, आपने जो एक्सपेंडिचर क्लेम किया था उसका डिसअलाउंस हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने चैप्टर 6A की डिडक्शन ली है उसको डिसअलाउड कर दिया है, या आपने 26AS, 16A, 16 AIS, TIS में जो इनकम अपीयर हो रही थी उसको अपने रिटर्न में कंसिडर नहीं किया है, इन सब केस में 143 की इंटीमेशन आती है। ये SMS, मेल और इनकम टैक्स पोर्टल पर आती है। अगर आपको डिमांड आई है और उसका रेस्पॉन्स करना है तो विद इन 30 डेज उसका रेस्पॉन्स कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।